भाई साहब आईपीएल 2023 में तमाम रिकॉर्ड टूट गए, जिन रिकॉर्ड्स की उम्मीद थी, जिन बातों को लगातार हम सोच रहे थे, वो तमाम काम हो गए। क्योंकि आईपीएल 2023 में हर किसी को पता था कि भाई इस बार ऑलराउंडर्स की बल्ले बल्ले होने वाली है। ऑलराउंडर्स के कई सारे ऑलराउंडर्स ऐसे थे जिनके नामों के आगे बड़ी लंबी लिस्ट लगी हुई थी कि भाई बहुत बड़ी टीमें उनके पीछे जाएंगी, बहुत मोटा पैसा बरसाएंगी, और हुआ ही वही। आईपीएल 2023 में जैसे ही सैम करन का नाम बुला, हर किसी को पता था कि भाई ये बंदा इस बार बहुत मोटा पैसा कमाने वाला है, बहुत सारा पैसा इस बंदे को मिलने वाला है, और कई सारी टीमें उनके पीछे जाई। लेकिन आखिर तौर पर जिस तरीके से जो रकम उनको मिली 18.5 करोड़, पंजाब किंग्स ने जिस तरीके से अपने आधे से ज़्यादा पर्स उनके ऊपर खाली कर दिया, तो जाहिर तौर पर ये आईपीएल ऑक्शन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अभी तक आईपीएल ऑक्शन में इतना ज़्यादा रकम कभी किसी खिलाड़ी को नहीं मिली है। अगर आईपीएल ऑक्शन की आप बात करें तो राजस्थान रॉयल ने जरूर क्रिस मॉरिस को दिए थे 16 करोड़, उसके बाद से किसी खिलाड़ी को इतनी बड़ी रकम ऑक्शन में नहीं मिली है। वैसे किसी खिलाड़ी का पैसे ज़्यादा हो, लेकिन इतनी बड़ी रकम कभी किसी खिलाड़ी को नहीं मिली, 18.5 करोड़। सोचिए 18.5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत सारी टीमें तो 18.5 करोड़ में 10-15-20 खिलाड़ी खरीद लेती हैं, लेकिन एक अकेला खिलाड़ी 18.5 करोड़ बहुत बड़ी रकम। और पंजाब ने जाहिर तौर पर एक बड़ा दाव खेला क्योंकि उन्होंने ऑडेन स्मिथ को छोड़ा है। ऑडेन स्मिथ भी बड़े महंगे खिलाड़ी थे, पिछली बार के ऑक्शन में कोई ज़्यादा प्रभाव ऑडेन स्मिथ नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार पंजाब की टीम ने कोई थोड़ा सा समझदारी वाला काम किया है। क्योंकि जो खिलाड़ी हैं सैम करन, वो मैच विनर खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, गेंद से और बल्ले से दोनों से कमाल कर सकते हैं, आपकी टीम को बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। और इस बार थोड़ी सी पंजाब की स्ट्रेटेजी अलग नज़र आ रही है, बड़े खिलाड़ियों के पीछे जा रही है, मैच विनर खिलाड़ियों के पीछे जा रही है, ये पंजाब की स्ट्रेटेजी इस बार नजर आई। और जाहिर तौर पर सैम करन को लेने का फायदा पंजाब को होगा। शिखर धवन की कप्तानी में मुझे ऐसा लगता है कि सैम करन का इस बार बहुत बड़ा रोल होने वाला है। नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करेंगे, उसके बाद में ऊपरी क्रम पर शुरुआत में आकर गेंदबाजी करेंगे, डेथ ओवर में गेंदबाजी आपको करते हुए नजर आएंगे। तो सैम करन का फायदा इस बार पंजाब को होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सैम करन के साथ किस प्लेइंग 11 को पंजाब मैदान पर उतारेगी, यह बहुत बड़ा देखने वाला है। लेकिन जाहिर तौर पर आईपीएल के तमाम रिकॉर्ड टूट गए, तमाम कारनामे जो थे वो खत्म हो गए हैं जो सैम करन ने रिकॉर्ड बना दिया है। क्योंकि जो पहले क्रिस मॉरिस के नाम था आईपीएल के ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड, वो अब सैम करन के नाम हो चुका है। 18.5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। और जाहिर तौर पर उम्मीद करेंगे कि जो रकम पंजाब ने सैम करन को दी है उस रकम के मुताबिक वो प्रदर्शन भी करके दिखाएं और पंजाब को जीतने में अहम योगदान निभाए। आपका इस खिलाड़ी पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सैम करन के बाद आने के बाद अब पंजाब की टीम जीत की पटरी पर जा सकती है? क्या फाइनल में जगह बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आईपीएल 2023 के पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।